करंट देखिए किधर से गया, करंट हमारा इधर की तरफ गया, करंट इधर से। आज हम लोग पढ़ेंगे सोलिनोइड, देखेंगे सोलिनोइड क्या होता है। ए लॉन्ग टाइटली वुंड हेलिकल क्वाइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कॉल्ड सोलिनोइड। अगर हम किसी वायर को हेलिकल वुंड कर देते हैं, हेलिकल वुंड करने का मतलब क्या हुआ, इधर देखिए, हेलिकल वुंड करने का मतलब ऐसे, इसे हम लोग कहेंगे हेलिकल वुंड। ये अगर हम ऐसे कर दिए और इसमें करंट पास कर देते हैं, करंट आई इधर से पास हो रहा है, करंट आई इधर आएगा, तो इसे हम लोग कहेंगे सोलिनोइड। ठीक है, सोलिनोइड का डायरेक्शन, सोलिनोइड जो है ये एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। डायरेक्शन ऑफ सोलिनोइड क्या हो जाएगा, सोलिनोइड क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले नंबर सोलिनोइड बिहेव एज ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें भी दो पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो हम लोग जानेंगे कि इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसा होता है, आगे आप इसको देखते रहिए। और अगर इसके अंदर कोई हम मटेरियल डाल देते हैं जिसे हम लोग कोर कहते हैं, कोर, तो भी ये सोलिनोइड कहा जाएगा। जैसे कि ये हमारा पेन है और पेन पर हम क्या किए, एक वायर लपेट दिए, वायर लपेट के हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा वायर है और ये हमारा कोई कोर है। अगर हम इस पर वायर लपेट देते हैं इस तरह से, देखिए ये हेलिकल वायर लपेट दिए, ठीक है, तो ये जो हमारा मार्कर है वो सोलिनोइड हो जाएगा। अब ये कैसा काम करेगा, लाइक एज ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका एक पोल नॉर्थ हो जाएगा और एक पोल साउथ हो जाएगा। आपको इतना बात समझ में आया होगा, इसे राइट डाउन करिए। इस सोलिनोइड का हम लोग फाइंड करेंगे कि कौन सा हमारा नॉर्थ पोल होगा और कौन सा हमारा साउथ पोल। तो आइए सबसे पहले हम इसे देखते हैं, ये हमारा नॉर्थ, नॉर्थ को ऐसे बना दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। इसको ऐसे बुक में आपको ऐसे थोड़ा सा बेंड दिखेगा, बेंड दिखेगा थोड़ा सा। ये हमारा एन है, ये हमारा एन है, ठीक है, ये क्या है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक। और ये साउथ, ये हम डायरेक्शन क्लॉकवाइज देते हैं, इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। इसका मतलब समझिए कि होता क्या है, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर हमारा करंट, इसको फेस के साइड में रखेंगे, फेस के साइड में रखेंगे, अगर हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ए एन आया, मतलब इसका मतलब क्या, नॉर्थ, और अगर हमारा करंट साउथ ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये हमारा कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल। यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो हमारा नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये कौन सा पोल, हमारा साउथ पोल, ठीक है। आइए देखेंगे, ये एक वायर से बता रहे हैं कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा वायर, ये हमारा मार्कर, इसको अपने साइड में रखेंगे, इधर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम इस तरह से बेंड कर दिए, इसको हम ऐसे बेंड कर दिए। करंट देखिए किधर से गया, करंट हमारा इधर की तरफ गया, करंट इधर से जा रहा है, ये वाला वायर, ठीक है, ये वायर, तो करंट हमारा इधर से की तरफ गया। तो अगर हमारा इधर से जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। अगर हम इसको पलट देते हैं, इस वायर को खोलकर हम इधर से लपेट देते हैं, इसको इस साइड से लपेट दिए, इस साइड से लपेट दिए, तो अब हमारा देखिए, अगर हम इधर की तरफ कर दिए तो ये हमारा, अब ये करंट जा रहा है, ये हमारा करंट है, ठीक है, ये करंट जा रहा है, तो इधर की तरफ बेंड कर दिए तो ये हमारा किधर, क्लॉकवाइज, तो ये हमारा किधर, साउथ, ये साउथ पोल, ठीक है। ये हमारा जैसे कि ये है, ये हम ऊपर की तरफ डाले हैं, ठीक है, ऊपर से है, इसमें 3D नहीं दिखा पा रहे हैं, उसके लिए माफी चाहते हैं। ये ऊपर की तरफ है तो इसको फेस की तरफ डालेंगे और ये देखेंगे कि इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, मतलब क्या, ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा क्या, साउथ पोल। अगर ये नॉर्थ पोल हो गया तो इसका क्या,
मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा किधर, नॉर्थ टू साउथ, और इसका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ, इसका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ, इधर वाले का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ, और अंदर में जैसे कहानी चल रहा था साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। ये हमारा बार मैग्नेट जैसा काम करेगा सोलेनोइड। तो इतना आप लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, मतलब सोलेनोइड के अंदर जो बार मैग्नेट बना उसके अंदर ताकत कितना होगा। तो ये हमारा हो गया सोलेनोइड। सोलेनोइड में ये क्या है, करंट, इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं, ये हमारा करंट और इधर से आएगा, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये बात समझ में आया, ऊपर की तरफ लपेटे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा पोल नॉर्थ पोल और ये कौन सा पोल साउथ पोल। ओके, आइए हम लोग ये देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये जो वायर है सोलेनोइड में, जो करंट पास कर रहा है सोलेनोइड में, ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। ये हमारा फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एन। ये स्मॉल एन क्या है बाबू, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, पर यूनिट लेंथ, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब क्या कि एक मीटर या जो भी हम लेंगे, ए वन एम एम, वन सेंटीमीटर, एक मीटर, एक मीटर में हमारा कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, इस पर डिपेंड करेगा। अगर जितना ज्यादा टर्न्स उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, यानी स्मॉल एन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एन बाई एल। ये एन क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स है, ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये एल क्या है, लेंथ है, किसका, सोलेनोइड का, ठीक। यानी कि बी को लिख सकते हैं, इसी बी को हम लोग लिख सकते हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन बाई एल। तो ये क्या, इन दोनों इक्वेशन को मिला देंगे तो क्या लिख देंगे, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन आई बाई एल। बोलो हो सकता है कि नहीं, श्योर हो सकता है। ये क्या था हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का ताकत कैसा रहेगा, ये आप राइट डाउन करिए। इधर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये सोलेनोइड से ही हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को टेम्पररी मैग्नेट भी कहते हैं, जैसा कि डिफाइन लिखा हुआ है, ए लॉन्ग टाइटली उंड हेलिकल क्वाइल, हेलिकल क्वाइल मतलब बात समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे जिसको हम लोग टर्न किए, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, एक कॉपर वायर को लिए, कंटेनिंग सॉफ्ट आयरन, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, यही वाला वर्ड, कंटेनिंग सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन कहने का मतलब कि जो घरों में नेल वगैरह आयरन होता है जिससे ठोकते हैं, ठीक है, उसको ले लिए, उस पर लपेट दिए हेलिकल क्वाइल, ठीक है, कॉपर का, इन इट्स कोर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि जो यहाँ पर लगा रहे थे, ये हमारा, ये कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन। अगर हम सॉफ्ट आयरन पर, नेल पर ये लगा दें, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा करंट गया, ये करंट आया इधर से प्लस और इधर माइनस, यानी कि सॉफ्ट आयरन कहने का मतलब क्या कि ये मान लीजिए, सपोज ये मान लीजिए हमारा, सपोज कि सॉफ्ट आयरन है, ठीक है, और इसमें हम क्या किए, इसको उंड हेलिकल उंड कर दिए और यहाँ पर बैटरी कर दिए। अब ये बार मैग्नेट जैसा काम करने लगेगा, अगर ये आयरन है इसको ले जाएंगे यहाँ पर तो ये अट्रैक्ट करने लगेगा, इसको ले जाएंगे अट्रैक्ट करने लगेगा, लेकिन जैसे ही बैटरी हटा देंगे, जैसे ही बैटरी को रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, ऑफ कर देंगे, इसमें करंट अब पास नहीं करेगा, तो ये क्या, अब मैग्नेट जैसा काम नहीं करेगा, अब ले जाएंगे तो अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग कहते हैं टेम्पररी मैग्नेट, जब तक उसमें करंट देते रहते हैं तभी तक वो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, अगर हम करंट उससे लॉस कर देते हैं तो वो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम यही है। इधर आगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक टाइप का होता है परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, उसमें एक बार करंट दे देने पर वो परमानेंट जैसा काम करने लगता है। इसमें क्या करेंगे, इसका सबसे पहला नंबर ट्रेन में यूज होता है,
इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में यूज होता है। दूसरा नंबर रिप्लेस रिप्लेस हेवी ऑब्जेक्ट, हेवी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम होता है। और तीसरा आई पेशेंट, आई पेशेंट में काम होता है, अगर आंख में नेल पड़ जाए, ठीक है, आयरन का पार्टिकल पड़ जाए तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही निकालते हैं। ये वाला रिप्लेस हेवी ऑब्जेक्ट, ये बात समझिए कि रिप्लेस हेवी ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखते हैं ट्रेन वगैरह पे बहुत बड़े बड़े कंटेनर रख दिए जाते हैं, तो वो आदमी से उठाकर नहीं रखे जाते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, उसमें करंट देते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है उस पर, उसको पकड़ता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह रिप्लेस कर देता है, और वहां रखने के बाद उसका स्विच ऑफ कर देते हैं, उसमें का करंट खत्म हो जाता है, वो अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देता है और उसको क्या कहा होता है, हट जाता है। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए, ये हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इधर देखिए परमानेंट मैग्नेट, अभी इससे पहले हम लोग देखें इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसी का एक पार्ट परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा नहीं होता है, इसमें मैग्नेटिज्म लॉस नहीं होता है, इसमें एक बार करंट दे दिए तो ये परमानेंट काम करेगा, इसीलिए इसका नाम है परमानेंट मैग्नेट। उस वाले में कौन सा कोर इस्तेमाल कर रहे थे, उस वाले में कौन सा कोर इस्तेमाल कर रहे थे, सॉफ्ट आयरन कोर। इस वाले में कौन सा कोर इस्तेमाल करेंगे, एलवाई होगा, एलवाई होगा, इसका मतलब क्या हुआ, एलवाई। आप कमेंट में एक बार क्वेश्चन कोई पूछा था कि सर एलवाई क्या होता है, एलवाई बता दे कि बहुत सारे मेटल मटेरियल को मिलाकर अपने हिसाब से एक नए प्रकार का मेटल बनाना, उसी को एलवाई कहते हैं। यहाँ ये जो है एक एलवाई है एलिन को, एलिन को कहने का मतलब क्या, एल्युमिनियम निकेल और कोबाल्ट का बना हुआ एक एलवाई होता है बीच में, ठीक है। इसमें हम करंट पास करा दिए, करंट पास करा दिए तो ये मैग्नेट जैसा काम करने लगा, मैग्नेट जैसा काम करने लगा मतलब क्या, ये बार मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट हो गया। अब हमारा मन किया कि नहीं हम करंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, हटा देते हैं, ऑफ कर लेते हैं। जब हम करंट को ऑफ कर लेंगे तो ये बताइए कि ये जो एलिनको वाला कोर है इसमें मैग्नेटिज्म रहेगा कि खत्म हो जाएगा, तो इसमें मैग्नेटिज्म रहेगा। सॉफ्ट आयरन कोर वाले में क्या हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या हो रहा था कि मैग्नेटिज्म खत्म हो जा रहा था, लेकिन इसमें रहेगा। अब देखिए इसमें रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें परेशानी ये हो जाता है कि अगर हमारा करंट 5 एम्पियर का स्टार्टिंग में दे दिए, इस वाले कोर पर 5 एम्पियर का करंट दे दिए, अब हमारा मन किया कि ओहो गलती हो गया, हमको 10 एम्पियर का करंट देना था यार, अब हम चाहे तो इसी पर 10 एम्पियर का करंट दे दें, नहीं देंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब कि ये एडिटिंग मोड में नहीं रहता है, एक बार जो बन गया सो बन गया। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में जितना बार चेंज करना चाहे उतना बार चेंज कर सकते हैं, तो ये परमानेंट मैग्नेट हुआ। परमानेंट मैग्नेट में आप समझिए क्या हुआ, जहां पर उस वाले डिफाइन में जहां सॉफ्ट आयरन था वहां पर आप क्या लिखिएगा, एलिनको, एलिनको कोर लिखिएगा, इसका डिफाइन हो जाएगा। इसका यूजेज कहां करते हैं, लाउड स्पीकर में, लाउड स्पीकर जो स्पीकर होता है इसका यूज स्पीकर में होता है, माइक्रोफोन्स वगैरह में होता है, मोबाइल्स वगैरह में होता है इसका यूज। इसका आता है एग्जाम में व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, व्हाट इज परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। एक इसका डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन है ये, डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये डिफरेंस क्या होता है, आपको स्क्रीन पर एक चार्ट लगा हुआ दिख रहा होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। सबसे पहला नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप देखिए, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव एज ए मैग्नेट व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू इट एंड लॉसेज इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन द करंट इज स्विच ऑफ। अगर हम करंट को स्विच ऑफ कर देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देता है, लेकिन परमानेंट में यही बात है कि नॉट डिपेंड ऑन करंट ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म, ये करंट पर डिपेंड नहीं करेगा, ये अपना मैग्नेटिज्म करंट बंद होने के बाद लॉस नहीं करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट के सेकेंड पार्ट में देखिए, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन सॉरी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट का मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं,
अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट का मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेंथ है मैग्नेट का वो चेंज हो जाएगा, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो चेंज नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वेरी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट के कंपैरिजन में कमजोर होता है, वीक होता है। तो इतना बात आपको समझ में आया, ये आप राइट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक।